स्लीपर बस आपको आसानी से मिल जाएगी। घर पे पहुंच गए हैं, 4 घंटे से थोड़ा कम वक्त लगा। सिवान से दरभंगा अभी जा रहे हैं ये बाइक से। यहाँ से 3 रास्ता है जाने के लिए दरभंगा, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सबसे शॉर्ट रास्ता है। करीब सिवान से 210 किलोमीटर पड़ेगा। तो अभी पीछे में 1 किलोमीटर पीछे जो है बढ़िया हमने क्रॉस किया है, और ये रास्ता जो है आगे बढ़िया एक जगह मिलेगा जो मेन हाईवे है, वहाँ से हम जो है केसरिया होते हुए साहिबगंज होते हुए शॉर्ट रास्ता है उस रास्ते से मोतीपुर मुजफ्फरपुर के पास में निकलेंगे। लेट है तो ये देखिए ये हाईवे जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और हम इस तरफ जाएंगे और ये बढ़िया मोड़ कहलाता है। गोरखपुर लखनऊ होते हुए दिल्ली चला जाता है ये हाईवे, और इस तरफ से जो है ये मुजफ्फरपुर की तरफ ये रास्ता चला जाता है। ये जगह जो है खजूरिया कहलाता है। मोहम्मदपुर से जो से आगे निकलने के बाद एक पुल आता है, बहुत बड़ा 1 किलोमीटर के करीब लंबा वो पुल है, वो क्रॉस करने के बाद ये खजूरिया जगह आता है। यहाँ से ये हाईवे हम छोड़ के नीचे से ये निकलेंगे और आगे से अंदर राइट टर्न कर जाएंगे जो केसरिया जो जगह है, केसरिया होते हुए साहिबगंज होते हुए हम जा रहे हैं। केसरिया से 2 रास्ता है, एक चकिया होते हुए और एक रास्ता है जो साहिबगंज होते हुए वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर के पास में निकलेगा। केसरिया जो बाजार है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे आने पे इस तरफ में साहिबगंज के तरफ में आने पे ये बौद्ध स्तूप है जो मिलता है यहाँ पे। गौतम बुद्ध जब कुशीनगर जा रहे थे तो रास्ते में ये केसरिया में वो एक दिन के लिए ठहरे थे यहाँ पे, और जिस जगह पे वो ठहरे थे वो वही जगह है। बाद में जो है सम्राट अशोक जो है वो इस जगह को जो है स्तूप बना दिया एक यादगार के तौर पे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। साहिबगंज से आगे क्रॉस कर गए हैं और मोतीपुर आने में अभी 8 किलोमीटर दूर है। मोतीपुर में हमको मेन हाईवे मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर 30 किलोमीटर है मोतीपुर से, फिर मुजफ्फरपुर से करीब 56 किलोमीटर दरभंगा। तो देखिए इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ हाईवे पकड़ लिए और इधर जाएंगे हम मुजफ्फरपुर की तरफ, और यही हाईवे है जो मोतिहारी की तरफ से आ रहा है और ये मुजफ्फरपुर की तरफ जाएगा। ये मुजफ्फरपुर का बाईपास है, यहाँ से आगे मुजफ्फरपुर शहर है। ये चौक से अंदर में जब जाएंगे तो ये सीधा जो है हाईवे दरभंगा की तरफ चला, दरभंगा हाईवे पे ये हम आ चुके हैं। ये देखिए ये ट्रेन सीतामढ़ी रूट की ट्रेन है। ये जगह बिठौली कहलाता है। यहाँ से सीधा और ये हाईवे पकड़ के जाएंगे आगे तो 15 किलोमीटर दूर दरभंगा है, और अभी हमको गांव जाना है तो यहाँ से अंदर हम लिफ्ट ले लेंगे और गांव जाएंगे, फिर उसके बाद दरभंगा जाएंगे। फाइनली पहुँच गए, और ये देखिए अभी गाड़ी गंदी हो गई थी तो पहले गाड़ी धुलवा ले रहे हैं। तो ये देखिए गाँव में पहुँचे हुए, और ये जामुन कैसे खाया जाता है? नमक में लगा के, नमक में ऐसे करके लगा देते हैं। आहिल रजा बताएगा, आहिल रजा कैसे खाया जाता है इसको? नमक दिखा दीजिए, वो जामुन का पेड़ है, नमक में मिलाकर उसमें मिठाई सब डालकर खाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधा सब है, देखिए ये देख सकते हैं ये हमारे जामुन का पेड़ हुआ, जामुन का पेड़ ये हमारा। देखिए गांव का खेत, यहाँ पर ग्राउंड है, इधर मैच खेला जाता है। ये देखिए ये बकरी का बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और अच्छे से देखिए ऐसे ही गांव में। ये जो गांव है ये मोहनपुर है, और ये मोहनपुर का रन बोला जाता है, मुहर्रम में यहाँ पे लोग आते हैं लाठी वगैरह खेलते हैं, और ये हमारे दोस्त लोग हैं गांव के छोटे से, और ये भी हैं आहिल रजा। ये पीछे में जो है तहसील गांव से अभी होते हुए हम लोग आए हैं, से कटका होते हुए फिर हम लोग निस्ता चले जाएंगे। The next day. गांव की तरफ से हम आ रहे हैं, और अभी ये जगह जो है ये मप्पी है दरभंगा से 2 किलोमीटर पहले। अभी हम दरभंगा जा रहे हैं यहाँ से, आज
4:30 के करीब जो है दरभंगा एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, और अभी हम नीम चौक पे जाएंगे। दरभंगा में एक जगह है नीम चौक, वहाँ पे मेरे मामू हैं, उनके यहाँ जाना है, और फिर वहाँ से एक दो जगह मिलते हुए फिर वहाँ से हम चले जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। देखिए ये नीम चौक पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम अंदर गली में हम जाएंगे अपने मामू जो हैं उनके यहाँ। अभी दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए हैं। ये दरभंगा का एयरपोर्ट का गेट है। इस एयरपोर्ट पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, रोड पे लोग गाड़ी लगाते हैं क्योंकि अभी पार्किंग नहीं है। 4:30 फ़्लाइट है मेरी दिल्ली के लिए। आज बहुत सारी जगह पे जो है इंटरनेट शट डाउन है, यहाँ प्रोटेस्ट के लिए जो है जगह जगह बंद किया गया है। तो एयरपोर्ट के अंदर में इन कर गए हैं, और ये ट्रॉली मिल गया है, ट्रॉली में अपना लेके सामान जा रहे हैं। तो ये देखिए यही दरभंगा का एयरपोर्ट है, और अभी छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल, धीरे धीरे हो सकता है बाद में कहीं इंटरनेशनल बने तो फिर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जून का महीना है, और देखिए अभी थोड़ी देर में जो है अंदर जाते हैं। स्पाइस जेट के काउंटर के लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ से जो है अपना बोर्डिंग पास लेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना जो लगेज है वो चेकिंग के लिए देंगे, और फिर आगे सिक्योरिटी चेकिंग होते हुए ये दरभंगा का एयरपोर्ट देख लीजिए। अभी छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है बस स्टॉप का। फ्यूचर में हो सकता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने तो और भी अच्छा हो, डेवलप हो। तो फाइनली आई गॉट माय बोर्डिंग पास, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। आफ्टर दैट मे बी इन आवर 55 मिनट्स इट विल टेक टाइम फॉर अराइविंग देयर। I have one good friend with my Sarthi now. Sarthi. Can you explain? Yeah, in English, no? Yeah, no, can you explain something about you are doing something like that? Actually, I prefer in Hindi because Hindi is my mother tongue, that's okay, why. No problem. So, I am. मेरी ये 3 कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, सर्विस सेक्टर देखते हैं, जो भी देखते हैं, 350 लोगों के साथ छोटे से कंपनी के सारे टीम मेंबर्स हैं, हम लोग ग्रुप पे रहते हैं। सामान चेक इन के लिए देखते हैं, और अभी आके वेटिंग रूम से बाहर जो गेट के बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पे देखिए वो लोग पहुँच गए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आके बस लगेगी, और सारे लोग बस में बैठेंगे, फिर जहाज़ के पास जाएंगे, बस में जा रहे हैं बैठने। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, here's this feeling lying. Could you pass the light? अभी बस से बाहर निकले हैं और इसी फ्लाइट में अब बैठने के लिए जा रहे हैं। ये दरभंगा का एयरपोर्ट आप देखिए, काफ़ी स्पेस है इसके पास में, फ्यूचर में हो सकता है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। 4:25 की फ़्लाइट थी, लेकिन थोड़ा फ्लाइट जो है वो हमको लगता है डिले है, 15-20 मिनट देर से टेक ऑफ करेंगे यहाँ से। Passengers to take your seats immediately. Take off.